महाराष्ट्र पलघर में लिंचिंग हुई, तीन साधुओं की मौत हुई, संतों की, मैं इसको कंडेम करता हूं, मजम्मत करता हूं, मगर हैरत की बात यह है कि हज़्ब आदत, हज़्ब रिवायत, रूलिंग पार्टी बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन है जो वकील हैं, एक इंटरनेशनल चैनल पर जाकर उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों ने पलघर में लिंचिंग की और तीन साधु संतों को मार दिया। वाह, क्या इल्मे गैब आपके पास है कि आपने कह दिया कि मुसलमानों ने मारा उस जगह पर? बाद में क्या मालूम हुआ कि मुसलमानों ने नहीं मारा वहां पर? आप बताइए कि आखिर कितनी नफरत है। यकीनन हम पलघर में जो लिंचिंग हुई उसकी मजम्मत करते हैं, मगर मैं हुकूमत को यह बताना चाह रहा हूं जो बीजेपी की अंधी ताईद करते हैं, तखलीद करते हैं, मैं उनसे बड़ी ही आजिजाना बात कर रहा हूं कि अगर अखलाक के कातिलों की जो मौत हुई थी, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के मिनिस्टर उसके जनाजे में नहीं जाते तो क्या पलघर होता? अगर अखलाक के कातिलों को सजा मिल जाती तो पलघर का वाकया नहीं होता? अगर पीलू खां के कातिलों को सजा हो जाती तो पलघर नहीं होता? अगर रखीब को राजस्थान में जब मारा गया, उसके एक्यूज को जब कोर्ट को लाया गया तो जुलूस की शक्ल में लाया गया, अगर वो रोकते तो ये वाकया नहीं होता? अगर अलीमुद्दीन अंसारी के कातिलों को बीजेपी के एमपी अगर फूल का हार नहीं पहनाते तो पलघर नहीं होता? याद रखिए आप कि ये दो रुखी पॉलिसी नहीं चलने वाली है। लिंचिंग किसी मुसलमान की हो, साधु संत की हो, क्रिश्चियन की हो, सिख की हो, किसी की हो, इंसान है, किसी की भी लिंचिंग नहीं हो सकती। एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी में कैसा किसी की लिंचिंग हो सकती है? पलघर की लिंचिंग पर तमाम लोगों ने कह दिया मुसलमान, किया बाद में मालूम। आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को उन 100 एक्यूज की लिस्ट को जारी करके कहना पड़ा कि उसमें कोई मुसलमान नहीं, इस दिन के लिए कि हम आपको जारी करना पड़ा कि मुसलमान ने नहीं किया। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, ये नफरत ठीक नहीं है जो मुसलमानों के ताल्लुक से पैदा की जा रही है, जो भारत के 22 शहरी हैं और रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मुंबई का वाकया कि एक ऑनलाइन कंपनी से वेजिटेबल मंगाया गया, वीडियो आया, एक शख्स अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, मत लो ये मुसलमान है। क्या है बताइए आप? अस्पतालों में ऐड आता है कैंसर के अस्पताल में कि मुसलमानों को नहीं लिया जाएगा। याद रखिए कभी ना कभी तो इंशाल्लाह कोविड-19 की दवा निकल जाएगी, मगर ये जो नफरत मुसलमानों के ताल्लुक से पैदा की जा रही है इसकी कोई दवा नहीं है। मुल्क को कमजोर, खुदा ना खास्ता मुल्क कमजोर ना हो जाए, ये नफरत कितनी नफरत पैदा करेंगे आप? मैं वजीर आजम से और ये तमाम बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठने वालों से कह रहा हूं, ये ठीक नहीं है। याद रखिए कि मुल्क में गोडसे और फॉरेन में गांधी नहीं चल सकता, मुल्क में भी गांधी अंबेडकर चलना चाहिए, फॉरेन में भी गांधी अंबेडकर चलना चाहिए। दुनिया को हम मौका दे रहे हैं, दुनिया को हम मौका दे रहे हैं हम पर तनखीद करने का। बहसती एक भारत के बाशिंदे की मुझे तकलीफ होती है जब कोई बैरूनी मुल्क के लोग मेरे वतन पर तनखीद करते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है हम तमाम को। इसीलिए हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हो।